हेलो एवरीवन एंड वन सेकेंड वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माय सेल्फ सोनू हार्डमैन और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कालसूचक शब्दों के बारे में। मैंने आपको कल क्या बताया था, कल इस वीडियो का हमारा पार्ट वन था, तो कल मैंने आपको सिखाया था कोरिलेटिव्स के बारे में कि एक दूसरे के पूरक शब्द का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ कालसूचक शब्दों के बारे में, जिसे हम लोग टेम्पोरल वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग का क्या आता है, टाइमिंग से रिलेटेड सवाल रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइमिंग से। अब टाइमिंग मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि अभी मेरा 4 बज रहा है, अभी मेरा 5 बज रहा है, सिर्फ ये टाइमिंग नहीं हुआ। टाइमिंग में बहुत कुछ हुआ कि मैं गर्मियों में यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर किस समय का बात हो रहा, समर वेकेशन का बात हो रहा। फिर वह कल यहाँ पर आया था, तो वह कल यहाँ पर आया था, तो वो भी क्या एक टाइमिंग का बात हो रहा। तो इसी से जुड़ा हुआ हम लोग कुछ आज सीखने वाले हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है फ्रेंड्स। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब से आपको जो है ट्रांसलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग क्लास। तो देखिए, कल हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 28 नंबर क्वेश्चन से। तो क्या है कि अब जनवरी 2019 है, मतलब इट इज़ जनवरी 2019, है कि नहीं। जैसे हम बोले हैं क्या कि अभी क्या चल रहा, अभी हमारा चल रहा सेप्टेम्बर, कि इट इज़ सेप्टेम्बर 2020, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ सेप्टेम्बर 2020। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मैं गर्मियों में दार्जिलिंग जाऊंगा, कौन सा समय का बात हो रहा, यहाँ पर हमारा गर्मियों का समय का बात हो रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आई शैल गो टू दार्जिलिंग इन समर, है ना, आई शैल गो टू दार्जिलिंग इन समर। और हम लोग आई शैल को ही तो शॉर्टकट में लिखते हैं, आई करके इसको हटा करके क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एपोस्ट्रोफी लगा करके यहाँ पर डबल एल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि वह प्रातःकाल जल्दी उठती है, मतलब कि वह सुबह में जल्दी उठती है, यानी कि शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने आपको सिखाया था कि शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए ती है, दैट मीन्स क्या, ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, तो क्या होता है, सिंपल से बात, एस और ईएस का यूज़ किया जाता है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए कि आपको उसका पत्र 3 दिनों में मिलेगा, ठीक है, आपको उसका पत्र 3 दिनों में मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा इसका कि यू विल रिसीव हिज लेटर इन 3 डेज। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, आपको उसका पत्र 3 दिनों के अंदर मिलेगा, अभी मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर क्या इसका हो जाएगा कि यू विल रिसीव हिज लेटर विद इन 3 डेज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 3 दिनों में मिलेगा, और यहाँ क्या बोल रहा है, 3 दिनों के अंदर मिलेगा। अब ये 3 दिनों में मतलब क्या हो गया कि वो 3 दिन के बाद ही मिलने वाला है, इतना तो कन्फर्म है कि 3 दिनों में। तो यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि 3 दिनों में कौन सा दिन मिलेगा, यहाँ पर साफ साफ इससे ये पता चल रहा है कि ये जो मिलने वाला है वो 3 दिनों के बाद में ही मिलने वाला है। जबकि यहाँ पे अंदर में क्या बोला है कि 3 दिनों के अंदर, हम लोग बोलते हैं ना किसी काम को कि ये बस 2 घंटे के अंदर फिनिश हो जाएगा, मतलब 2 घंटे से पहले ये जो मेरा काम है वो पूरा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 3 दिनों के अंदर, यानी क्या कि 3 दिनों से पहले ही मेरा काम फिनिश हो जाएगा। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, विदिन लगाते हैं फॉर अंदर के लिए, और मी के लिए हम लोग यहाँ पर इन लगा, ठीक है, आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है कि मैं सोमवार को वहाँ पहुँच जाऊँगा, यानी आई रीच देयर ऑन मंडे, है ना, आई रीच देयर ऑन मंडे। फिर क्या है, तुम 3:30 बजे आए, यानी यू केम एट 3:30, क्या है, यू केम एट 3:30। मैं आपको फ्रेंड्स इस टाइमिंग से रिलेटेड भी आपको कुछ समझाऊँगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं कि अभी मेरा 6 बज रहा, तो इससे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिर अभी मेरा 6:10 हो रहा, क्या कहेंगे, अभी मेरा 6:15 हो रहा, तो इसमें क्या कहेंगे, अभी मेरा 6:30 हो रहा, इसमें क्या कहेंगे। इस प्रकार से 1 घंटा का जो टाइमिंग होता है, उसमें हम लोग हर एक वर्ड को किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो मैं आपको फिर सिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि आप रात को कोलकाता पहुंचेंगे, यानी यू विल रीच कोलकाता एट नाइट, ठीक है, यू विल रीच कोलकाता एट नाइट। अब देखिए, नाइट के साथ यहाँ पे एट लगा, ठीक है, और मॉर्निंग के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि रमा प्रातः 9 बजे आती है और कमला 10 बजे, यानी रमा कम्स एट 9 AM एंड कमला कम्स एट 10 AM। फिर क्या है, रमा कमला से पहले आती है और कमला रमा के बाद आती है। तो पहले आप इस पर फोकस कीजिए, रमा कमला से पहले आती है, इससे क्या हो जाएगा हमारा कि रमा कम्स बिफोर कमला, है ना, पहले आती है मतलब क्या कि रमा कम्स बिफोर कमला,
फिर क्या कि कमला जो है रमा के बाद आती है, यानी कि कमला कम्स आफ्टर रमा, आफ्टर यानी क्या बाद में आती है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि दुकान सवेरे 9:30 बजे से 7:30 बजे तक खुलती है। अब थोड़ी ना खुलते रहता है, ये तो खुल जाता है सुबह 9:30 बजे और शाम में 7 बजे बंद हो जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका कि द शॉप रिमेंस ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 7 PM, है ना। द शॉप रिमेंस ओपन मतलब कि इतना बजे से इतना बजे तक क्या रहता है, खुला रहता है हमारा दुकान। फिर क्या है, लड़के प्रतिदिन 1 घंटा खेलते हैं, यानी द बॉयज़ प्ले एवरी डे फॉर 1 आवर, है ना। द बॉयज़ प्ले एवरी डे फॉर 1 आवर। अब देखिए आप यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 1 आवर लगाया है, इसके जगह पे आपने सॉरी आप कहेंगे ये भी देखे होंगे क्योंकि वहाँ पर 1 लगाने के जगह पे क्या लगा था, एन लगा था, एन आवर। तो इस एन मतलब भी वही होता है, एक हम लोग कहते हैं, और इस 1 मतलब भी क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको 1 देखने मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको एन देखने मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि वह कल से यहाँ रह रहा है, यानी ही हैज़ बिन स्टेइंग हेयर सिंस यस्टरडे, है ना। ही हैज़ बिन स्टेइंग हेयर सिंस यस्टरडे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, हम यहाँ 4 वर्षों से रह रहे हैं, यानी वी हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 4 ईयर्स। यहाँ एक चीज़ समझिए, ये कौन सा टेंस थोड़ा बताइए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये कौन सा टेंस है, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भूल गए क्या, इतना जल्दी भूल गए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, उसमें क्या होता है, इसमें हमारा परफेक्ट का तो गुण रहता है, ये हैज़ बिन हैव बिन, और साथ में कंटिन्यूअस का भी गुण रहता है, क्या घर में ING का, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वी हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 4 ईयर्स, और इसमें जो हमारा टाइमिंग रहता है उस टाइमिंग को हम लोग 4 और सिंस से दर्शाते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे में कि 4 और सिंस का यूज किस किस जगह पे किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आप कितने समय से अंग्रेजी पढ़ सीख रहे हैं, यानी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। देखिए लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब क्या, कितना समय से, कितना समय से यानी किसी, जाहिर से बात है कि लंबे समय का बात हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग लगाया गया है और मैंने आपको इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्या है हमारा, वह अभी नहीं आई, शी हैज़न्ट कम येट, ठीक है। वह अभी नहीं आई है यानी क्या हो जाएगा, शी हैज़न्ट कम येट। फिर क्या है, शो शुरू होने वाला है, ये शो कौन सा है, मूवी का बात हो रहा है, ठीक है। यानी द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट, लिखा रहता है ना वहाँ पे कि द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट, मतलब कि शो कुछ ही देर में शुरू होने वाला। फिर क्या है कि मैं अपना काम अगले शुक्रवार तक समाप्त कर लूँगा, यानी आई विल फिनिश माई वर्क बाई नेक्स्ट फ्राइडे। अब देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे देखिए क्या लगा, बाई लगा है तो कि अगले शुक्रवार तक, तो आप यहाँ पर इसको टिल भी लगा सकते हैं कि आई विल फिनिश माई वर्क टिल नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि वह अपना काम लगभग 4 घंटों में पूरा कर लेगा, यानी ही विल फिनिश, क्या ही विल फिनिश हिज वर्क इन अबाउट 4 आवर्स, है ना, इन अबाउट 4 आवर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मैं वहाँ लगभग 3 बजे पहुँचा, यानी आई रीच्ड देयर अराउंड 3 o'clock, है ना। मैं वहाँ यानी क्या हो गया, देयर हो गया, फिर क्या 3 बजे पहुँचा, और ये क्या है, लगभग वाले केस में हमारा क्या लगता है, अराउंड मतलब कि 3 बजे के आसपास ही पहुँचा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब राधा आई तो माधव चला गया, फिर क्या, वेन राधा केम माधव लेफ्ट, लेकिन श्री कृष्णा में ये चीज़ नहीं दिखाया गया है, क्या है, वेन राधा केम माधव लेफ्ट। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं उसे अगले महीने मिलूँगा, यानी आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ, है ना, आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ। कितना आसान सा ट्रांसलेशन है, और इंग्लिश में आप सोच लीजिए, आप थोड़ा खुद सोचिए फ्रेंड्स कि आप अगर किसी से इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको तो ट्रांसलेशन करना पड़ेगा ना, और मैंने आपको पहला दिन ही सिखा दिया था। मैं आपको इस हार्डनिंग क्लासेस के मोहर पर यह गारंटी के साथ कहता हूँ, वो ये कि मैं आपको ये 60 दिनों तक जितना भी ट्रांसलेशन बताऊँगा या जितना भी मैं आपको टॉपिक कवर करवाऊँगा, अगर आप इन 60 दिनों के वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं, और अगर आप नोट्स बना लेंगे तो और भी अच्छी बात है, बट अगर आप देख लेते हैं तो ये मेरा गारंटी के साथ दावा है फ्रेंड्स, गारंटी के साथ कि आपको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसे खुद अपनाया है। मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने क्या किया, सिंपल सा इन 60 दिनों के क्लास को मैंने खुद किया, और वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैं घर में इसका प्रैक्टिस भी नहीं करता था, आपको पता है मैं इसका घर में प्रैक्टिस नहीं करता था। अधिकतर लोग क्या बोलते हैं कि घर में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा,
लेकिन मैं यहाँ पर किसी से प्रैक्टिस करता भी नहीं था। मैं सिर्फ क्या करता था, मैंने एक प्लान बना लिया था जिसे हम लोग रूटीन कहते हैं, कि डेली हमको कम से कम 2 घंटा इंग्लिश तो पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हालत में। 2 घंटा क्या करना, हमें इंग्लिश पढ़ना है, अब चाहे जो भी हो जाए, मन लगे पढ़ने में या पढ़ने में मन ना लगे। तो मैं बस ऐसा करता था, और जैसे ही हमारा 58th डे आया, फिर मैंने क्या पाया अपने अंदर कि मैं जैसे भी कुछ हिंदी वर्ड सोचता हूँ दिमाग में, कोई भी हम हिंदी वर्ड सोचते हैं दिमाग में, तो उसका इंग्लिश ऑटोमेटिक बन करके निकल जाता। इसलिए मैंने सोचा क्या कि मैं जब सीखा हूँ तो थोड़ा मैं आपको कुछ सहायता कर दूँ, ताकि आप लोग का भी जो इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है वो भी आपका दूर हो जाएगा। लेकिन हाँ ये कि आपको डेली एक वीडियो देखना पड़ेगा, डेली 60 दिनों तक। अगर आप बीच में एक दिन में मिस कर दिए तो फिर समझ जाइए कि आपका फिर जो आप इतना जो मेहनत कर रहे सब बेकार चला जाएगा। अभी देखिए थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, लेकिन क्या हो रहा ना, थोड़ा मेरा अभी प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण से हम डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करने का, या फिर कम से कम तो 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करने का मैं कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि वह जब पढ़ रहे थे तो मैं खेल रहा था, यानी व्हेन ही वॉज रीडिंग आई वॉज प्लेइंग। फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखिए वो हमारा ख़त्म हो गया सेंटेंसेस, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको ध्यान से बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, वो चीज़ ये है ना कि मैं आपको जितना भी सेंटेंस सिखा रहा हूँ, इसी सब से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। आपको विश्वास नहीं होता है तो आपको तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखने वाले हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था। देखिए क्या हमारा पहला है कि महीनों, हाँ देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है कि महीनों के नाम के साथ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वारों के नाम के साथ, वारों यानी क्या, सोमवार मंगलवार बुधवार, इस हिसाब से जो हमारा वार आता है ना, 7 दिन जो आता है, सप्ताह का 7 दिन, उसके लिए हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। फिर क्या हो गया, वक्त बतलाने में एट का प्रयोग किया जाता है, यानी टाइमिंग, जैसे कि अभी मान लीजिए 6:30 बज रहा है तो क्या हो जाएगा, 8:30 AM। फिर मान लीजिए कि भी रात का जो है 12 बज रहा है तो क्या हो जाएगा कि 12 AM हो जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी प्रकार मॉर्निंग और इवनिंग से पूर्व इन, और नून और नाइट से पूर्व क्या लगता है, एट का यूज़ होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा और मैंने आपको पढ़ाया भी होगा कि मॉर्निंग में हम क्या लगाते थे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, लेकिन नाइट में क्या लगाते हैं, एट नाइट या फिर एट नून, ठीक है। ये सब देखिए नियम है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है जो कि बिग कन्फ्यूज़न, अच्छा यहाँ पे, हाँ इसी का मैं आपको बात कर रहा था, क्या है, जहाँ कार्य आरंभ होने का निश्चित दिन का समय दिया हो वहाँ सिंस का प्रयोग होता है, जैसे ये सब। और जहाँ पर कार्य आरंभ होने का निश्चित समय नहीं दिया हो वहाँ पर फोर का यूज़ होता है, जैसे कि देख लीजिए ये सब दिया हुआ। आपको समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया था पहले बार में, मैंने इसे बहुत प्रैक्टिस किया तो मुझे समझ में आया है। छोटी सा चीज़ लेकिन कमबख्त है कि समझ में आती नहीं है जल्दी। देखिए इसको समझते हैं, देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या बोला, निश्चित दिन का समय दिया हो, क्या बोल रहा है, सिंस 2019 यानी 2019 से। फिर क्या यहाँ पे, सिंस 4 AM यानी सुबह 4 बजे से। तो इससे साफ पता चल रहा है ना कि एकदम एग्जैक्ट सुबह में 4 बजे का टाइमिंग बोल दिया गया है। फिर क्या बोला है, सिंस लास्ट ट्यूजडे यानी कि पिछले मंगलवार से। फिर क्या, सिंस 2019 यानी 2019 से। इतना कन्फर्म है कि ये सब कन्फर्म है। अब फोर के लिए क्या बोला है, फोर 2 मंथ्स। अब ये 2 मंथ्स का बात तो कर दिया, ठीक, आप तो बोलेंगे कि सही बात तो है, लेकिन थोड़ा ये सोचिए कि 2 मंथ्स, कौन सा 2 मंथ्स का बात कर रहा, क्या वो जनवरी फरवरी है, क्या वो फरवरी मार्च है, या फिर वो नवंबर दिसंबर है, ये कौन सा 2 मंथ्स का बात कर रहा। तो कोई टाइमिंग तो यहाँ पर निश्चित तो नहीं ना है। फिर क्या बोला कि 4 3 ईयर्स, 3 सालों से। तो अरे भाई कौन सा 3 सालों से, ये तो बताओ। तो वही चीज़ हमारा निश्चित नहीं हो पा रहा। तो जब निश्चित नहीं हो पा रहा तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फोर का यूज़ करते हैं। और अगर देखिए निश्चित हो जाता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा नहीं है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया, या टॉपिक ख़त्म हो गया। कल मैं आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, जब तक के लिए बाय, राधे राधे।